शिमला से, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज का बयान सामने आया। नगर निगम शिमला चुनाव को लेकर कहा कि नगर निगम पर बीजेपी फिर से काबिज होगी, सरकार के माध्यम से लोगों को डरा रही है कांग्रेस, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। तो नगर निगम पर बीजेपी फिर से काबिज होगी, ये उनकी ओर से कहा गया, सरकार के माध्यम से लोगों को कांग्रेस डरा रही है। नगर निगम के चुनाव 1-2 मई को होने प्रस्तावित हैं। 2 मई को पोलिंग होगी और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से शिमला नगर निगम बनाएगी। 1986 से लेकर के 2017 तक नगर निगम पर लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है। बीच के 5 सालों में CPIM के मेयर और डिप्टी मेयर भी जो हैं वो यहाँ पर रहे हैं, लेकिन शिमला में केंद्र सरकार के बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिले लेकिन उन पर कोई काम कभी किसी ने नहीं किया। JNNRM में जितना पैसा जो है वो केंद्र से मिल सकता था उसका कोई फायदा नहीं उठाया। 5 साल निकल गए, DPR ही नहीं बना पाए और केवल पानी की जो एक भेजी थी उसका 156 करोड़ रुपया शिमला नगर निगम को मिला था लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस और CPIM के मेयर डिप्टी मेयर में कन्फ्लिक्ट था, इस कारण से जो है वो पैसा वापस।